हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सैटरडे की शॉपिंग है प्लांट्स की, सीजनल प्लांट्स हैं, और आपको मैं बताती हूँ मैं क्या क्या लाई और उनके प्राइसेस क्या हैं, और इन सीजनल प्लांट्स की कैसे इनको पॉटिंग करनी है, पॉटिंग सॉइल क्या होगी और इनकी आफ्टर केयर क्या होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको रोज़ेस के बारे में ही बताती हूँ। ये मैंने 4 टाइप के रोज़ेस लिए हैं। एक्चुअली ये मेरी डॉटर के घर में हूँ, उसी के घर में लगाने हैं। अपने घर में दोबारा लेकर आऊँगी, फिर लगाऊँगी, फिर बताऊँगी। तो एक ये वाला है कलर, और ये येलो शीट का है, और ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका शीट है। एक ये ऑरेंज है, एक रोज़ और है, वो दिखाती हूँ मैं। एक रोज़ फ्रेंड्स ये लिया है वाइट, 80 रुपीज़ का है ये, मतलब ये सबसे महंगा वाला था रोज़, और कितना अच्छा था ये। जहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग हो रखी थी ना, ये वहीं से ही टूट गया। अब मालूम नहीं माली ने रखते तोड़ा या कार में टूटा, लेकिन प्लांट कार में तो कोई भी डैमेज हुआ नहीं, एक अकेला ये बिल्कुल ही टूटा हुआ था। तो इसको मैंने ग्राफ्ट करा, जो बेस इसका होस्ट प्लांट था उसमें कट लगा के, और इसको मैंने फिट किया। तो अभी ये समझिए एक्सपेरिमेंट है, लग जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो वो वैसे भी जा ही रहा था। देखते हैं इसका जो भी रिजल्ट होगा आपको बताती हूँ मैं। और ये वाले जो रोज़ेस हैं ये सारे 50 रुपीज़ ईच हैं, मतलब डील अच्छी मिल गई वहाँ पे। ये जो मैं लेकर आई हूँ ये यहाँ गोल्फ कोर्स रोड है गुड़गांव में, और सेक्टर 52 के पीछे पेट्रोल पंप के पास, ये वहाँ की नर्सरी से हैं, और इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। और ये जो सीजनल प्लांट्स हैं पिटूनिया, ये 20 रुपीज़ ईच है, इसमें उसने कोई बार्गेन नहीं करी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। ये पिटूनिया के जो प्लांट्स हैं ये 20 रुपीज़ ईच के हैं, और ये 12 हैं, एक दर्जन लिए हैं ये, और साथ में लिए हैं ये सनरेरिया, ये उसने 40 रुपीज़ ईच के हैं। ये 8 प्लांट्स हैं, आप सब जानते होंगे सनरेरिया शेड लविंग प्लांट है, ये शेड में इसके फ्लावरिंग होगी, तो अभी तो काफ़ी दिख रहे हैं ये बिल्कुल हेल्दी एंड ग्रीन। अभी देख लगाने के बाद देखते हैं इनका क्या होता है रिज़ल्ट। ये गजानिया के प्लांट्स हैं, और ये गजानिया सब डबल कलर में हैं सारे, और ये जो लिए हैं ये भी इसने 20 रुपीज़ ईच दिए हैं, ये मैंने करीब 15 दिए हैं ये प्लांट्स। और साथ में ये प्राइम रोज़ हैं, इनके कलर्स मालूम नहीं, 4 लिए हैं प्लांट, ये भी 60 रुपीज़ ईच हैं ये। और ये जेरेनियम के हैं दो, उसमें कलर्स सिर्फ दो ही के दिख रहे थे तो दो लिए, एक वाइट दिख रहा है और एक में ये थोड़ा सा रेड सा दिख रहा है टिंज, और दीज आर 50 रुपीज़ ईच। और ये डायंथस हैं, ये भी 20 रुपीज़ ईच के हैं, ये भी हमने 6 लिए हैं। तो अभी मैं अभी आपको इनको लगा के दिखाती हूँ कि इनकी पॉटिंग मिक्स हम कैसे बना रहे हैं। और ये रेलिंग बास्केट्स लिया है, ये 50 रुपीज़ ईच दिया है मैंने, जहाँ से मैंने लिया है ये तो मैंने गाज़ियाबाद से ही लिया है, बीज भंडार से, इसके मैं अक्सर आपको वीडियो दिखाती हूँ, इसका भी मैं डिटेल आपको दे दूँगी जहाँ से आप इसकी देख सकते हैं। और उस होलसेल डीलर है तो उसके पास रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये 50 रुपीज़ ईच दिए उसने, ये भी मैंने 12 लिए हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स तैयार की हैं, नीचे इसमें बिठाया मैंने, ये जो हमारे टिश्यू के शॉपिंग बैग्स होते हैं इसके पेपर बिछा के, और वो किया नीचे इनमें होल्स बनाए हुए हैं हमने, ये देखिए होल्स बनाए हुए हैं, और इस पर ये शॉपिंग बैग का शीट लगा के ड्रेनेज होल बनाया हुआ है, कवर किया हुआ है। इसमें अब मैं मिला रही हूँ सॉइल, और ये बनाया मैंने पॉटिंग मिक्स, इसमें है 50% इसमें कोकोपीट है और 50% इसमें वर्मी कंपोस्ट है। तो प्लांट में जो मिट्टी लगी हुई आई है वो तो हम यूज़ करेंगे ही, साथ में ये करेंगे। तो और ये जो इसमें कोकोपीट मिलाई है, वो मिलाने से पहले उसको थोड़ा मॉइस्ट कर लिया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोकोपीट अगर सूखी मिलाते हैं तो पानी पड़ने के बाद वो एक्सपेंड होती है, तो फिर वो रेशो गड़बड़ हो जाता है। इसमें मैं लगा रही हूँ पिटूनिया, है ना, आसपास मैंने मिट्टी भर ली और इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्योंकि मिट्टी इसमें अच्छी है, सैंडी सॉइल है। पिटूनिया के लिए सैंडी सॉइल होना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा वैसी वाली सॉइल अगर हम मॉइस्ट वाली बनाते हैं तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं जो हमने सॉइल बनाई है वो हम इसमें भर दे रहे हैं, उसको अच्छी तरह से हम दबा देंगे ताकि कहीं कोई एयर गैप ना रहने पाए। और इसमें डालेंगे हम पानी, है ना,
प्लांट को लगा के एक दो बार ऐसे टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, और अगर कहीं छोटा मोटा एयर गैप छूट गया हो तो वो भर जाए वापस। तो अब ये इसमें हम, ये हमारा प्लांट तैयार हो गया है लग के, और इसमें अब हम डाल रहे हैं पानी। जो मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, इसमें पानी में मैंने मिलाया हुआ है एंटी फंगस पाउडर। आप कोई सा भी मिला सकते हैं इसमें एंटी फंगस पाउडर, चाहे साफ, बाविस्टिन या ट्राइकोडर्मा, या जो आपके उधर लोकेलिटी में अवेलेबल हो। मैंने इसमें बाविस्टिन मिलाया है ना कि, और ये बाविस्टिन मतलब जो एंटी फंगस पाउडर है ये हमें महीने में एक बार ज़रूर डालते रहना चाहिए सभी प्लांट्स पे, क्योंकि गर्मी की तरह इनमें प्लांट्स में पानी वेपराइज नहीं होता तो फंगस होने का बहुत बहुत खतरा रहता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये टोकरियाँ लग गई हैं, आप देख रहे हैं हैंगिंग बास्केट। अब ये और घना होएगा, यहाँ से साइड्स में भी इसके और ग्रोथ होगी और काफ़ी फूल खिलते हैं। गजेनिया बहुत फूल देता है, ये देखिए इसमें ये डबल कलर का है, प्लांट एक ही है लेकिन डबल कलर का फूल आ रहा है, एक में ये पिंक है एक येलो, प्लांट तो एक ही है। ये देखिए इस तरह से यहाँ लग गई हैं सारी, कल काफ़ी टाइम हो गया तो पूरी बन भी नहीं पाई थी, अभी बची हुई, अभी आज पूरी की हैं सारी, ये देखिए है ना, अभी भी चार पांच बची हुई हैं। तो एक्चुअली प्लांट्स भी ख़त्म हो गए, अभी लेकर ही आने हैं, अभी फिर से जा रहे हैं नर्सरी है ना। तो काफ़ी लग गए हैं लेकिन अभी भी और भी स्कोप है काफ़ी। फ्रेंड्स ये टब जैसे हैं पॉट मिट्टी के ही टेराकोटा के, और इसमें एक उसमें पांच पांच लगाए हैं हमने गजेनिया के प्लांट्स है ना। सॉइल वही रही हमारी वेल ड्रेन सॉइल, और पानी डालते टाइम ध्यान रखना है, विंटर्स के फ्लावर्स में पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गर्मियों की तरह पानी वेपराइज तो होता नहीं है, है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि ओवर वाटरिंग हो जाती है कई बारी, तो आप हमेशा ध्यान वही बस सिंपल वही मेथड अगर फॉलो करेंगे कि टच टू ड्राई, तो आपके प्लांट बिल्कुल ठीक रहेंगे, सिर्फ टच टू ड्राई और कुछ नहीं। अगर सूख गई मिट्टी तभी डाल, क्योंकि फंगस अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, फंगस अटैक होगा रूट रॉट हो जाएगा, प्लांट्स मर जाते हैं। फिर कई लोगों को होता है कि जी नर्सरी में तो अच्छे चल रहे थे, हमारे घर आके ख़त्म हो गए है ना, तो थोड़ी सी हमारी समझिए नादानी के कारण प्लांट मर जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने पॉट्स लिए, ये वाले ये 100 रुपीज़ का ईच है, ये हमने 6 पॉट लिए हैं और एक एक में 6 आ गए हैं। छोटे वाले पॉट्स लगाने से मुझे ये ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि सारे जब भर जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं है ना। ये देखिए इसमें गजेनिया के लगाए हुए हैं सारे, 5 लगे हुए हैं। तो पहली बात पानी का ध्यान रखना है, सेकंड फुल सनलाइट चाहिए, जहाँ भी रखें आप फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि धूप में चलने वाले प्लांट्स अलग होते हैं। विंटर्स में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छाया में चल जाते हैं, जैसे सिनरेरिया, वो भी बताती हूँ मैं अभी आपको। तो ये ऐसे लग गए हैं, और एवरी 15-20 डेज में नीम ऑयल और डिश वॉश 1 लीटर पानी में आधा आधा चम्मच मिला के स्प्रे करते रहेंगे तो एफिड्स और माइट्स का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि नमी के कारण और मौसम में भी थोड़ी नमी रहती है, प्लांट्स में भी नमी रहती है, तो उसके कारण थोड़ा उसका खतरा रहता है, तो वो अब उससे ख़त्म हो जाएगा। इस वाले में ये लगाया है हमने इम्पेशियंस छोटा वाला, ये खूब भर के आता है, ये हैंगिंग बास्केट के लिए होता है स्पेशली, मैं हमेशा लगाती हूँ, इसको पूरे भर जाता है, मतलब भर के नीचे लटकने लगता है, पॉट दिखता ही नहीं है। और ये डॉग फ्लावर्स हैं, ये आपने देखे ही होंगे, और इस तरह से इसमें 4 लगाए हैं क्योंकि इसमें इन दोनों को बढ़ने के लिए बहुत जगह चाहिए, खूब फैलते हैं ये, ठीक है। तो अभी आपको मैंने 2 टिप दी पानी के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए, तीसरी टिप ये है कि इनको धूप में रखना है, और इसके बाद एवरी 20 डेज पे 1 मंथ में इनमें आपको लिक्विड खाद देंगे, कंपोस्टी या मस्टर्ड खाद दें गीली, वो भी बहुत अच्छी इनके लिए रहती है। मस्टर्ड खाद ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसको थोड़ा हम लोग गर्म मानते हैं, तो वो विंटर्स में प्लांट्स को बहुत अच्छा करती है। नेक्स्ट चीज़ पानी से ही संबंधित है कि पानी आप जब भी दें तो थोड़ा धूप निकल जाने दें, समझिए 10-11 बजे तक दें, तो ओवर हेड टैंक का पानी भी थोड़ा सा ना नॉर्मल से होने लगेगा, तो वो एकदम चिल्ड वाटर नहीं होने से प्लांट को उससे मतलब ठंड नहीं लगेगी, जो होता है ना पाला मार गया ठंड हो गया वो नहीं होगा। और पानी डालते टाइम ध्यान रखें कि आप प्लांट को पूरा हर वक्त ना नहलाएं, वीक में 10 दिन में एक बार पूरा शावर करना ठीक है, क्योंकि नमी होती है एटमॉस्फेयर में और धूप भी कम
तेज़ी की होती है, तो पानी डालने से पानी इनमें बचा रह जाता है, तो क्या होता है यहाँ से ना फंगस अटैक होने लगता है, पानी के कारण ही होता है फंगस अटैक। तो इसलिए पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो ये आप ध्यान रखें कि पानी आप जब भी डालना है हमेशा सॉइल में ही डालें, पाइप नीचे कर लें और सॉइल में ही डालें। ऊपर से हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में अगर आपको लगता है डस्ट ज़्यादा हो गई तो डालिए। अभी कल देखिए एक और ख़रीद के लाए ये फर्न, ये वाला मेरे पास था नहीं। देखिए इसकी बनावट दूसरी तरह की है ना, इसका नाम मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट, लेकिन ये है फर्न की वेराइटी। ये उसने मुझे 80 रुपीज़ का दिया है। और ये देखिए ये मैंने वही ले रखी हैं, इम्पेशेंस कहीं हैं, 8 पॉट्स हैं। अब यहाँ पे मैं लेकर आई थी ना काफ़ी सारे पिटूनिया के, इनके घर में लग गए सारे, मेरे पास अब ले जाने के लिए नहीं बचे, तो अभी फिर जा रही हूँ मैं लेने। आपको दिखाया था मैंने जेरिनियम, ये लग गया है, ये देखिए इसमें कलर आ गया, बिल्कुल बेबी पिंक कलर का है ये। देखिए दूसरा ये भी लग गया है, ये उसने बताया था प्राइम रोज़ कह रहा था ये, या प्राइम सल्लू कह रहा था इस टाइप का, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से ये प्राइम रोज़ है। ये भी अच्छे लग गए हैं, है ना। ये देखिए शालविया लगा दिए, शालविया जब भी लगाएं आप ग्रुप में लगाएं, अगर पॉट में भी लगा रहे हैं तो 3-4 एक साथ लगाइए, तो इनकी रेड रेड ये स्पाइक मतलब कलरफुल स्पाइक्स निकल के ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसमें हमको इसमें 4 कलर मिले हैं, एक पर्पल है, ये रेड है, ये डार्क पिंक है, ये थोड़ा लाइट पीच में है, इस तरह से, ठीक है ना। अभी देखिए फिर भी ये बच गई हैं 3-4, अभी इनके में भी लगाने प्लांट्स। ये यहाँ पे सिंड्रीडिया लगाए हैं, यहाँ पे धूप हार्डली 1/2 घंटे के लिए 1/4 घंटे के लिए आती है। और आप देखिए यहाँ नींबू का पेड़ लगा है, इधर ये चंपा का लगा है, पीछे ये मधुमालती की बेल जा रही है, तो इधर छाया काफ़ी रहती है। लेकिन सिंड्रीडिया इतने ही क्लाइमेट में, इतनी ही कंडीशन में बहुत अच्छा खिलता है ना। तो सिंड्रीडिया जिन बालकनीज में धूप नहीं आती है या बहुत कम आती है, समझिए 1/2 घंटे के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें भी फूल खूब अच्छे अच्छे बंच में आते हैं, और ज़्यादा कर कर के इनके जो कलर्स होते हैं डार्क पिंक पर्पल ब्लू, इस तरह के इनके शेड्स होते हैं, उसी में मिक्स्ड भी होते हैं और सेपरेट सेपरेट कलर्स भी होते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।